ओके बच्चों, तो लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया आयनिक इक्विलिब्रिया में, आप लोगों को पता है हमने उसमें पीएच ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस किया है। जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनकी पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितनी आती है अक्सर, ठीक है ना, उसके लिए फॉर्मूले और उसका जो न्यूमेरिकल्स कुछ हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोगों ने वीक एसिड वीक बेस की पीएच भी डिस्कस की थी, आप लोगों को पता है। उसके अलावा हमने जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जिसे कहते हैं, उसमें भी हमने देखा था कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है तो उसकी पीएच कितनी होती है, वो चीज़ें हमने मतलब न्यूमेरिकली प्रूफ की थी। एक टॉपिक अपने आयनिक इक्विलिब्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को और सीखना है और उसका नाम है बफर्स। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है, उसका नाम है बफर्स। बफर्स बेसिकली क्या है? बफर सॉल्यूशंस हैं कुछ, ठीक है, ये क्या है, कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और कैसे सॉल्यूशन है, जो कि पीएच में कुछ भी चेंज होता है उसको रजिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्यूशन है, विच रजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, पीएच में होने वाले चेंज को रजिस्ट करते हैं, मतलब पीएच अगर इधर उधर चले जाए तो दिक्कत में आ सकता है सॉल्यूशन, इसलिए उसको रजिस्ट करने के लिए जो सॉल्यूशंस उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को इस बात में एजुकेट करना है, इस बात को समझाना है कि सॉल्यूशन के लिए एक डेफिनेट पीएच मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कुछ दूं तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, आपको पता है हमारे शरीर में तकरीबन एक वयस्क के अंदर 7 लीटर जो है खून होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, और ब्लड क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे हैं, इसमें WBC, RBC, इस तरीके से प्लेटलेट्स और बहुत सारे ब्लड कॉम्पोनेंट्स घुले हुए पानी के अंदर प्लाज्मा के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब बच्चों आपको ये भी पता है कि हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ठीक है ना। अब अगर ब्लड का पीएच 7.4 होता है और अगर हम इसको 10.4 कर दें तो क्या होगा, या फिर अगर हम इसको 4.4 कर दें तो क्या होगा। कहने का मतलब, प्रकृति ने हमें बनाया है तो हमारे सारे कंपोनेंट को कुछ ना कुछ सोच के तो बनाया होगा, इसीलिए प्रकृति ने जो हमारे ब्लड का जो पीएच बनाया है वो 7.4 क्यों बनाया है, हमारे स्लाइवा का पीएच जो है 7.2 क्यों बनाया है, ठीक है ना। इसलिए हर सॉल्यूशन जो होता है उसका एक डेफिनेट पीएच होता है, और इस पीएच में यदि थोड़ा भी चेंज कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। क्या हमने कभी सुना है कि किसी आदमी के ब्लड का पीएच 2.2 है ना, मतलब हम हमेशा बोलते हैं 7.4 है, 7.4 ही होता भी है, ठीक है ना। तो ब्लड अपने आप में क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच मेंटेन रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। या फिर मैं दूसरी बात कहूँ तो हमारे पास दूध जो मिल्क घरों में आता है, दूध अगर उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ दे देखिए तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत फट जाएगा। फट जाने का क्या मतलब है, उसका पीएच चेंज हो गया, खट्टा हो गया ना, वो फट करके क्या हो गया, दही बन गया, उसका पीएच चेंज हो गया, एसिडिक हो गया। तो क्यों हो गया चेंज, क्योंकि उसमें हल्का सा नींबू डाला। पीएच में चेंज जो है हो सकता है, पीएच जो है उसमें चेंज हो सकता है, और यदि पीएच में चेंज हो जाए तो परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे अभी आपको दूध से दही बनाने का परिणाम मिला, ठीक है ना, ये तो एक ऐसा परिणाम था जो कि बहुत खतरनाक तो नहीं है, मगर ऐसे ऐसे बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ऐसे परिणामों को दो कैटेगरीज में बच्चों डालूंगा, दो बातों से समझाऊंगा। पहला तो ये कि पीएच जो होता है, किसी सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो उसके लिए स्टेबिलिटी भी होता है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो उस सॉल्यूशन के लिए स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कहूं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, दवाइयां होती हैं जो कि क्या होती हैं, पानी में घोल करके पी जाती हैं, ठीक है, या फिर किसी भी सॉल्यूशन में घोल के पी जाती है, जिसे हम सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन और इस तरीके के ओरल लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं, पीने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर वो सॉल्यूशन जो बने हुए हैं दवाइयों के, यदि उनका पीएच चेंज हो जाए तो पीएच चेंज हो जाने के बाद ये ड्रग जो होगा ये टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब, अगर पीएच चेंज हुआ
तो उसका स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी में खतरा पहुंच जाएगा, वो टूट करके कुछ और चीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो खा रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर ड्रग, फॉर एग्जांपल मैं पैरासिटामोल का सोल्यूशन पी रहा हूँ और देखा कि अंदर पीएच चेंज होने के कारण पैरासिटामोल कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमने जो पिया हो सकता है वो अब वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो, ठीक है ना। हम तो उसको दवाई समझ के पी रहे हैं, वो भगवान जाने क्या बन जाए, है कि नहीं। तो ये सारी ये प्रॉब्लम जो आ सकती है ये पीएच में मात्र चेंज करने से भी आ सकती है। तो पहली बात अगर मैं कहूँ कि पीएच क्यों जरूरी है एक बना रहना, वो ये है कि उसकी स्टेबिलिटी उससे आती है। और दूसरा कारण अगर मैं बोलूं कि पीएच जरूरी क्यों है एक ही बना रहना, तो दूसरा कारण है उसका डिसोल्यूशन। दूसरा कारण है उसका डिसोल्यूशन। देखिए कोई भी चीज घुलती कब है, ठीक है ना। तो अगर मैं ड्रग की बात करूं तो फिर अगेन मैं ड्रग्स की बात ले लेता हूँ, ड्रग्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, दवाइयों का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दवाइयाँ जो होती हैं बच्चों वो वीक एसिड या फिर वीक बेस होती हैं, ठीक है ना। दवाइयाँ या फिर और भी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। अब ये एसिड या बेस जो होते हैं इनको डिजोल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की पीएच चाहिए होती है, पर्टिकुलर पीएच में ही ये घुल करके डिजोल्व होते हैं। अगर वो पीएच चेंज हो जाएगी तो ये उसके बाद क्या होंगे, घुलना बंद हो जाएंगे और ये सेटल डाउन हो जाएंगे। कभी कभी हम दवाइयां बाजार से खरीद के लेके आते हैं और हम देखते हैं कि उन दवाइयों के नीचे पे क्या है, कुछ सेडिमेंट बैठ जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, कि सोल्यूशन की पीएच में चेंज आ जाने के कारण, ठीक है ना। तो इस तरीके से पीएच में चेंज हो जाने से जो है बहुत जरूरी या आवश्यक जो घटनाएं हैं वो रुक जाती हैं, और मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में भी चेंज हो सकता है, वह घुलन घुलित अवस्था से अघुलित अवस्था में भी चेंज हो सकता है। इस तरीके से हमारे को बहुत जरूरी है कि हम उसके पीएच को क्या करके रखें, मेंटेन कर पाए, मेंटेन करके रख सकें, ठीक है ना। अब ये जो मेंटेन करने का प्रोसेस है इसको ये कहाँ से मिलता है, बफर से मिलता है। देखिए बफर के लिए क्या लिखा हुआ, विच रजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। अगर हम जो पीएच है उसको बनाए रखना चाहते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, और इस सोल्यूशन की पीएच है बच्चों कितनी, फॉर एग्जाम्पल 6.7 इसकी पीएच है, ठीक है। एक महीने बाद मैं दोबारा आता हूं और चेक करता हूं इसकी पीएच कितनी है, तो पीएच आ जाएगी जी 7.6। अगले एक महीने बाद फिर आकर के चेक करता हूं तो वो 8.6। तो धीरे धीरे पीएच चेंज हो सकती है। और अगर कोई सोल्यूशन की पीएच ऐसे चेंज हो रही है, इसका मतलब वो सोल्यूशन खराब होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि वो खराब ना हो तो मैं उसकी पीएच को बरकरार रखना चाहूंगा, मेंटेन रखना चाहूंगा, ठीक है। और किसी सॉल्यूशन की पीएच को बरकरार या मेंटेन रखने के लिए जो आवश्यक सॉल्यूशंस होते हैं उनको कहते हैं बफर। इसका मतलब मुझे इसके ऊपर से, इसका मतलब मुझे इसके ऊपर से क्या डालना पड़ेगा बच्चों, बफर डालना पड़ेगा, बफर, ठीक है ना। ये बफर इसके ऊपर से डालना पड़ेगा, और वो बफर क्या करेगा, इस सॉल्यूशन की पीएच को हमेशा 6.7 बनाए रखेगा। इसमें कोई भी अगर अंतर आ रहा होगा तो वो उसको क्या करेगा, रोकेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए बफर का नाम दिया गया है कि जो ऐसे विलयन जो कि पीएच में होने वाले किसी भी परिवर्तन को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, ठीक है। ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों ये दो टाइप के होते हैं, इन्हें दो क्लासेस में बनाया गया है। पहली कैटेगरी है एसिडिक बफर, बफर्स, और दूसरी कैटेगरी है बच्चों बेसिक बफर, बफर्स। एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स दो कैटेगरी है बच्चों इनकी। एसिडिक बफर वो बफर होते हैं, वे बफर जो कि एसिड से बनते हैं, एसिड से बनते हैं, ठीक है। बफर कैसे बनते हैं, जो एसिड से बनते हैं, एसिड भी कैसा, वीक एसिड। ऐसे बफर जो कि वीक एसिड से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर, ठीक है ना। वीक एसिड से बनते हैं एसिडिक बफर कहलाते हैं। इनमें इन वीक एसिड्स के साथ इनके सॉल्ट भी घुले हुए होते हैं, सॉल्ट भी घुले होते हैं। तो एसिड, वीक एसिड प्लस उनके सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसको कहते हैं
एसिडिक बफर। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों सिट्रेट बफर, ठीक है, फॉस्फेट बफर, बफर एसिटेट बफर, बफर और इसी तरीके से टार्ट्रेट बफर, लैक्टेट बफर, ऑक्सलेट बफर और इस तरीके के बहुत सारे ग्लूकोनेट बफर। तो कोई भी वीक एसिड अगर आप पकड़ लें, जैसे सिट्रिक एसिड है तो सिट्रिक एसिड से सिट्रेट बफर बन सकता है, एसिटिक एसिड से एसिटेट बफर बन सकता है। तो ये इनके बफर सॉल्यूशंस बनाने के लिए तरीके हैं। मैंने आपको क्या बोला, बफर कैसे बनेगा, एसिडिक बफर कैसे बनेगा, जहाँ पे वीक एसिड और उसका सॉल्ट होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एसीटेट बफर का, अगर मुझे एसीटेट बफर बनाना है तो एसीटेट बफर मैं कैसे बना पाऊंगा बच्चों, इसके लिए मुझे एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसका सॉल्ट देखिए सॉल्ट कैसे बनाया है इन्होंने CH3COONA, ठीक है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक है, और ये हो गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड मतलब वीक ऑर्गेनिक एसिड को जब उसके करस्पोंडिंग सॉल्ट से, एसिटिक एसिड के ही सॉल्ट से जब मिक्स किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक बफर बनाएगा। और ये बफर किस तरीके का बफर होगा बच्चों, ये एक एसिडिक बफर होगा, ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगली बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जानी चाहिए कि दूसरे टाइप के जो बफर होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेसिक बफर कहते हैं, बेसिक बफर्स कहते हैं। और ये जो बेसिक बफर्स हैं ये कैसे बनते होंगे, देखिए जैसे ये बताया हुआ वैसे वीक ऑर्गेनिक या वीक बेस और उनके करस्पोंडिंग सॉल्ट। देखिए ये सॉल्ट कोई सा भी सॉल्ट नहीं होगा, ये केवल इसका करस्पोंडिंग सॉल्ट होगा, ठीक है, करस्पोंडिंग सॉल्ट मतलब जो इन्हीं वीक बेसिस से बना हुआ है, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स अगर हम पूछें तो आप एग्जांपल्स में बोल सकते हैं कि अमोनिया बफर, बफर इसी तरीके से पिरिडीन बफर, या फिर आप इसमें से कोई भी मतलब बेसिक सॉल्यूशन जो है उसको उठा करके, ठीक है ना, तो आप उसके क्या है बफर बना सकते हैं, ठीक है। ये इनके बेसिक बफर्स के क्या हो गए, ये एग्जांपल्स हो गए हैं और ये इसके डेफिनेशन हो गई। और अगर मैं आपको अमोनिया बफर को बनाने के लिए बोलूं तो अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बच्चों, आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का वाटर सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और उसका करस्पोंडिंग सॉल्ट, सॉल्ट मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलकर के उसने बनाया हो, उस सॉल्ट के साथ जब ये सॉल्यूशन जुड़ा जाएगा तो इसका नाम होगा क्या, अमोनिया बफर, ठीक है ना। और इस तरीके से ये बेसिक बफर और एसिडिक बफर आपने डेफिनेशन से और कैसे उसे बनाना है ये आपने समझा, ठीक है बच्चों। तो अभी तक आपको दो बातें समझ में आई कि बफर क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच में होने वाले किसी भी चेंज को क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं। और दूसरी बात आपने समझा कि इनकी दो क्लासेस होती हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, और बेसिक बफर के और एसिडिक बफर के आपने एग्जांपल्स देखे, ठीक है। अब बच्चों यहां से एक बात को तो आप लोग भी समझ सकते हैं आराम से कि मैं आपको इनके प्रयोग के बारे में यदि पूछूं तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मैं किस समय किस सॉल्यूशन का इसमें से इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे यदि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना है, ब्लड की पीएच कितनी बताई थी अभी 7.4, तो यदि अगर हमें अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना है तो मुझे कैसा बफर चाहिए होगा, बेसिक बफर। देखिए अगर ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच होती है 7.4, ये इसकी पीएच होती है, ठीक है, ये क्या है, बेसिक है। तो बेसिक सॉल्यूशन की पीएच को बनाए रखने के लिए कैसा बफर डालूंगा, बेसिक ही बफर डालूंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं अगर मुझे दूध की पीएच को मेंटेन रखना है तो मिल्क कैसा होता है, मिल्क थोड़ा सा एसिडिक होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, आप लोगों को पता है। तो अगर मैं मिल्क की पीएच को 6.5 मान लूं तो मेरे को इसके लिए किस तरीके का बफर का सॉल्यूशन चाहिए होगा, इसके लिए मुझे एसिडिक बफर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात भी आप लोग यहां से समझ सकते हैं और बहुत इजीली समझ सकते हैं।
मगर कॉम्प्लिकेशन कब आएगा, जब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मैं हर केस में एक ही एसिडिक बफर यूज कर सकता हूँ। मतलब जैसे अगर मैंने आपको पूछा मेरे पास तीन सोल्यूशन है, एक की पीएच 2.3, एक की पीएच 4.3 और एक की पीएच 6.3 है, तीन मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, तो इन तीनों के लिए मैं कौन सा सोल्यूशन यूज करूंगा, इन इन पीएचओ को बनाए रखने के लिए मैं किस तरीके का बफर यूज करूंगा। तो आप कहेंगे जी एसिडिक बफर, क्योंकि 7 से नीचे कोई भी पीएच कैसी हो जाएगी, एसिडिक। तो एसिडिक सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें बफर कैसा चाहिए होगा बच्चों, एसिडिक ही चाहिए होगा। तो हमारे को एक एसिडिक बफर की जरूरत है, इतनी बात तो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या इस तीनों केस के लिए मैं कोई भी एसिडिक बफर लेकर के इनकी पीएच को मेंटेन कर सकता हूँ? कहने का मतलब, यदि मेरे पास एसिटेट बफर है तो मैं क्या इन तीनों सॉल्यूशंस में एसिटेट बफर डाल करके इन तीनों की पीएच को बनाए रखने के लिए उपयोग कर सकता हूँ एसिटेट बफर का, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है कि हर एसिड, हर बफर जो होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगली बात क्या होगी कि हर बफर जो होगा उस बफर को एक पर्टिकुलर केस में ही यूज किया जा सकता है। जैसे मैं एक केस में एसिटेट बफर ही यूज कर सकता हूँ, दूसरे केस में सिट्रेट बफर यूज कर सकता हूँ। और कैसे मुझे पता चलेगा कि किस केस के लिए कौन सा बफर यूज करना है, ये एक निर्धारित करने वाला दूसरा पहलू है, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा अपने लेक्चर में आगे, ठीक है। पहले आप लोगों को प्रॉब्लम समझ जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास तीन अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और मैं इन तीनों की पीएच को मेंटेन रखना चाहता हूँ, तो मैं इनके लिए कौन सा बफर यूज करूँ, या फिर एक ही बफर से तीनों केसेस के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर ये है कि इन तीनों केसेस के लिए अलग अलग तरीके के बफर यूज होंगे, क्योंकि एक ही बफर हर जगह नहीं चलता, ठीक है। और वो क्यों नहीं चलता, इस आंसर को ढूंढने के लिए हमारे को जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, वो डिस्कस करना पड़ेगा पीएच ऑफ बफर्स, ठीक है। जो अगला पॉइंट हमें समझना पड़ेगा वो होगा पीएच ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशनों की पीएच क्या होती है या कितनी होती है, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ बफर भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ बफर्स, कि बफर किस तरह से एसिड या बेस में होने वाले चेंजेस को, मतलब रजिस्टर करते हैं, किस तरीके से वो अपना काम करते हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। मैंने आपको बोला कि बफर वो होते हैं जो किसी भी पीएच में किसी भी चेंज को रजिस्टर करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कुछ पीएच है, और इस पीएच में अगर गलती से मुझसे एसिड या फिर बेस गिर जाता है, गलती से इसके ऊपर मेरे से इसमें कोई एसिड या बेस गिर जाता है, तो उस गिरे हुए एसिड बेस के प्रभाव को खत्म करने के लिए जो बफर डाला है वो किस तरह से प्रयोग होगा, वो किस तरीके से अपना काम करेगा कि वो इस एसिड के कारण या फिर बेस के कारण होने वाले प्रभाव को खत्म कर सके, नल एंड वॉइड कर सके। तो इस बात को समझने के लिए बच्चों आप लोगों को बफर की मैकेनिज्म समझनी बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम्पल लेते हुए मैंने अपना पहला बफर लिया है एसिटेट बफर, और इसको आपने अभी समझा कि इसके लिए एक वीक एसिड जिसे कि हमने एसिटिक एसिड बोला, और इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट जिसे कि हमने सोडियम एसिटेट बोला, ये हम प्रयोग में लेकर आएंगे, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं आपको कि इसमें केस नंबर वन व्हेन स्मॉल HCl एडेड, इसके ऊपर अगर गलती से थोड़ा सा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, मतलब थोड़ा सा एसिड अगर गलती से डाल दिया, तो ये किस तरह से एसिड के प्रभाव को खत्म करेगा, मैं इस बात को आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। इस बात को देखिए,
कि जैसे ही इसमें एक एसिड डाला जाएगा, एसिड क्या करेगा, गिरने के बाद, पढ़ने के बाद क्या करेगा, एसिड एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव में अपने को तोड़ देगा। आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये किस तरीके से डिसोशिएट होता है आपको पता ही है ना। अब जिस जैसे ही ये एसिड गिरेगा और अपने को इस फॉर्म में तोड़ेगा और एच पॉजिटिव निकाल के सॉल्यूशन की पीएच को एसिडिक करने की कोशिश करेगा, उतनी देर में इस बफर में से सॉल्ट वाली जो फॉर्म है, सोडियम एसिटेट वाला जो इसका पार्ट है, वो क्या करेगा, टूट करके CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव बना देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें से जो सॉल्ट वाला पोर्शन है, ऐसे केस में जब यहां पे एसिड गिरा गलती से, वहां पे जो इसका सॉल्ट वाला पोर्शन है वो अपने को डिसोशिएट करके क्या करेगा, इस तरीके से डिसोशिएट करेगा ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाए। ठीक है, और क्या बने बच्चों, एसिटिक एसिड बने। ठीक है जी, क्या बने, एसिटिक एसिड बने। अब आपको पता है अगर सॉल्यूशन में एसिटेट आयन और एच पॉजिटिव आयन है तो ये एक एसिटिक एसिड बना देगा। ये जो एसिटिक एसिड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म में ज्यादा रहेगा, डिसोशिएटेड फॉर्म में कम रहेगा, और विद द रिजल्ट जो एच पॉजिटिव आयन आया था सॉल्यूशन में गलती से एसिल गिर जाने के कारण एच पॉजिटिव आयन बढ़ोतरी हुई थी, वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी, उसको क्या कर लेगा, एसिटिक एसिटेट आयन जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा जो कि उसमें पहले से ही उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के कोई भी असर नहीं पड़ेगा जब भी हम उसमें क्या करेंगे, एक प्रोटॉन डालेंगे या फिर गलती से HCl अगर उसमें पड़ जाए तो। ठीक है ना, तो ये तो हो गया पहला केस, केस नंबर वन, जबकि ये तो केस नंबर वन हो गया जबकि गलती से हमारा क्या पड़ गया, उसमें एसिड पड़ गया है। अब मान लेते हैं गलती से उसमें केस नंबर टू मान लेते हैं, इसमें केस सेकंड, जब क्या हो गया, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH या फिर बेस उसमें गिर जाए एडेड। ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH अगर उसमें गलती से गिर जाए तो फिर क्या होगा, देखिए जैसे ही NaOH सॉल्यूशन में गिरेगा NaOH क्या करेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, सॉल्यूशन का पीएच बढ़ जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना, NaOH के या बेस के गिर जाने से सॉल्यूशन का पीएच बढ़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मगर यहाँ पे इस बफर के होने के कारण बफर अपना रोल कैसे प्ले करेगा, देखिए बफर के पास एसिटिक एसिड जो है वो इस केस में अपने आप डिसोशिएट होकर के CH3COO नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, इस केस में एसिटिक एसिड टूट करके क्या बनाएगा, एच पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, जो एच पॉजिटिव इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ तुरंत रिएक्शन करके, उसी समय रिएक्शन करके वाटर बना देंगे, वाटर बना देगा, और वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब वाटर से क्या होगा, पीएच चेंज नहीं होगी, पीएच क्या रहेगी, जस की तस रहेगी। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के आने से पीएच बढ़ सकती थी, मगर उसी समय एच पॉजिटिव आयन के आ जाने के कारण इस हाइड्रोक्सिल आयन के प्रभाव को खत्म कर देगा बफर, और विद द रिजल्ट जो है सॉल्यूशन की पीएच उतनी ही रहेगी जितने की आपने पहले सॉल्यूशन की पीएच ली थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई एसिडिक बफर एसिड के आ जाने पर किस तरीके से उसके रोल को खत्म करता है और बेस के गिर जाने पर किस तरीके से उसके रोल को खत्म करता है। इसी तरीके से आप खुद से अगर ट्राई करेंगे तो आप इस एसिड की जगह, इस एसिडिक एसिटेट बफर की जगह कोई बेसिक बफर भी ले सकते हैं, और उस बेसिक बफर का रोल जब HCl गिर जाए और NaOH गिर जाए तो खुद से भी आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने समझा है बच्चों कि ये असर कैसे होता है। अब
अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना जा रहा था उस बात को पे आएंगे, और उससे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने हर जगह लिखा व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एडेड, तो मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये एसिड और बेस के प्रभाव को रोकेगा तो जरूर कौन बफर, मगर एक लिमिट तक जब वो स्मॉल अमाउंट में गिरे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा आपने उड़ा करके उसमें 10 लीटर HCl डाल दिया या NaOH डाल दिया और वो तभी भी उसके असर को होने नहीं देगा। ये तब की बात है जैसे कि दूध में एक बूंद नींबू डालना तो नींबू के होने वाले असर को बफर रोक दे, ये हम उस तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे हैं हम लोग कि मतलब एक लीटर दूध है और उसमें हमने 2 लीटर दही डाल दिया और तभी भी वो फटा नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि बफर का जो रोल है वो एक लिमिट के अंदर है, एक सीमा के अंदर है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे हमेशा एक स्मॉल अमाउंट का ही जिक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि किस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर बफर एक पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करने के लिए यूजफुल है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास अलग अलग पीएच के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से किस केस पे कौन सा बफर मैं यूज करूं मुझे कैसे पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए जो टॉपिक का नाम हमने डाला है वो डाला है पीएच ऑफ बफर्स, कि बफर की अपनी पीएच जो होगी वो उस हिसाब से ही कहीं ना कहीं यूज हो पाएगा, ठीक है। और पीएच की बफर की पीएच जो कैलकुलेट होती है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को कहते हैं हेंडरसन हेचलबैक इक्वेशन, उसका नाम आता है हेंडरसन हेचलबैक रिलेशन या इक्वेशन। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसको कि इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलके प्रपोज किया कि किसी बफर सॉल्यूशन की पीएच जो होगी उसकी पीकेए वैल्यू प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस चीज को डब्बे में बना दूं तो इस इक्वेशन का मतलब हो गया कि आपको बस ये याद रखना है, आपको अगर कभी भी किसी बफर की पीएच कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाएगी तो आप बफर की पीएच कैसे निकाल पाएंगे, पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन, इस वाले रिलेशन से जिसको हेंडरसन हेचलबैक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये इसमें बोल रहे हैं ये पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा उसके पीकेए वैल्यू के बराबर। पीकेए में के वर्ड जो आया है आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, इस वर्ड का नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसको के ए वर्ड से लिखा गया है, ठीक है। यहां पे जो ये लिखा हुआ है आपको पता है ये डब्बा किस लिए बनता है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन, एसिड कंसंट्रेशन, ठीक है। आपने ये जो फॉर्मूला बच्चों देखा इसमें एसिड वर्ड यूज हो रहा है और पीकेए वैल्यू मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज हो रहा है, इसलिए ये इक्वेशन जो है बफर कैसे बफर के लिए है, एसिडिक बफर के लिए है। अगर ये एसिडिक बफर ना होकर के बेसिक बफर होता, अगर ये एसिडिक बफर ना होके बेसिक बफर होता तो ऑब्वियस सी बात है ये रिलेशन चेंज हो जाता और नया जो रिलेशन आता आपके पास वो आता पीएच इज इक्वल्स टू पीकेबी माइनस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, ये नया रिलेशन आपके पास आता अगर मैं बेसिक बफर की बात कर रहा था। तो अगर आपको एसिडिक बफर निकालना है उसकी पीएच निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिक बफर के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। ये मैंने आप लोगों को
एक इक्वेशन बताई जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन बफर सॉल्यूशंस की पीएच जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको करना भी सिखा देते हैं बच्चों, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हम पीएच बफर के निकाल सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारा केस जो है वो क्या है, एसीटेट बफर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एसीटेट बफर है, एसीटेट बफर है, एसीटेट बफर है। तो एसीटेट बफर का क्या मतलब होता है, हमारे पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ रही होगी और इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ रही होगी। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर मान लेते हैं 0.1 मोलर 10 ml एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था, ठीक है, और 0.1 मोलर 10 ml सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन था, उनको आपस में मिक्स किया गया था, तो ये एक बफर बनाएगा। अब जो ये बफर बना, इसकी पीएच कितनी है, अगर हमें ये कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जा सकता है, ये बीच में मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया अपने वर्क स्पेस के लिए, ठीक है। देखिए इसके आगे कैसे बढ़ना चाहिए, पीएच जो ये फॉर्मूला है, पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास रिलेशन है। हमें पता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, सॉल्ट कौन है इसमें, सोडियम एसीटेट, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, तो मेरे पे कितना है 0.1 मोलर जिसके 10 ml है, डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन, और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, एसिड की कंसंट्रेशन भी बच्चों हमारे पास 0.1 मोलर है जिसके हमारे पास 10 ml ही है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से फिलहाल आप ये देखें कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो पीएच विल बी पी के ए प्लस लॉग, ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनाएंगे, 1, बेस जहां पे कुछ नहीं लिखा रहता क्या लिखना पड़ता है, 10, ये आपको पता है, लॉग 1 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 1 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। तो यहां से इस वाली वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 0। मैं इसको यहां से रिप्लेस करके 0 लिख देता हूं या नहीं लिखता हूं, तो ये फिर रिलेशन कैसा हो जाएगा, पीएच इक्वल्स टू पीके ए हो जाएगा। कहने का मतलब, यदि मुझे पीके ए वैल्यू को निकालना आता है या मुझे पता है पीके वैल्यू, तो मुझे इस बफर का सॉल्यूशन की पीएच पता चल जाएगी। अब देखिए पीके वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीके ए वैल्यू का क्या मतलब हुआ बच्चों, पीके ए का मतलब हुआ माइनस लॉग के, ठीक है भाई। पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव, तो पीके ए का मतलब माइनस लॉग के हो गया, ऑब्वियस बात है। अब इसके लिए जो यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज हुआ है, इस एसिटिक एसिड का की के ए वैल्यू अगर हमें पता है, अगर हमें ये वैल्यू नोन है, तो हम यहाँ से पी के ए वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वैल्यू 1.8 into 10 to the power minus 5 होती है, इसे याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए इसको याद नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे के ए की वैल्यू इतनी रखी जा सकती है, मतलब पी के ए विल बी माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको दोबारा से लॉग लॉग के रिलेशन से देखें, तो लॉग एम इंटू एन इजिकल टू लॉग एम प्लस लॉग एन के फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर मैं लॉग निकालना जानता हूँ या आप लॉग निकालना जानते हैं, तो आपको पता है प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस 5 का मतलब हो जाएगा माइनस 5, ठीक है ना। इस वैल्यू को मैं
माइनस फाइव से रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस फाइव। और अगर लॉग टेबल हमारे पास है तो लॉग 1.8 की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। पर अगर नहीं भी लॉग टेबल हमारे पास है तो हमें अंदाजे से पता है, हम इतना जानते हैं कि लॉग 1 0 होता है और लॉग 10 1 होता है। तो ये लॉग 1 से तो बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी रख लो 0 से बड़ी, आपको एक अंदाजन वैल्यू पता चल जाएगी, मगर 1 से छोटी, क्योंकि लॉग 10 1 होता है, ये लॉग 10 तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू कुछ भी मैंने रख दी तो मैंने 0.2 रख दी, देखिए ठीक है ना। तो मैंने अगर इसकी 0.2 वैल्यू रख दी तो मेरा रिलेशन इसमें शॉर्ट हो गया, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, -4.8 ऐसे इसको अंदर सॉल्व कर लिया, और बाहर अगर हटाया तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के पी के ए वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी 4.8 इसकी पी के ए वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो सॉल्यूशन का पीएच यहाँ से निकला वो हो जाएगा पी के ए इज इक्वल्स टू 4.8। ये हमारे एसीटेट बफर की पीएच आएगी जब उसमें एसिड की कंसंट्रेशन इतनी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बच्चों इतनी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको रिलेशन हेंडरसन हेचलबैक इक्वेशन आपको बताई है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है, इस पॉइंट तक अगर आप आ गए तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जल्दी में रिवाइज करवा देता हूँ कि फॉर्मूला जो है पीएच इजिकल्स टू पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, और ये किस केस के लिए है, जब हमें एसिडिक बफर मिला हुआ है। अगर बेसिक बफर रहेगा तो ये पी के बी माइनस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और वहां पे इस रिलेशन में अगर हमने इन दोनों की कंसंट्रेशन रख ली और हमें पी के ए की वैल्यू भी पता चल गई तो पी एच की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि इस केस के लिए हमने 4.8 कैलकुलेट की। तो ये इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देकर के फॉर्मूले को देखें तो शायद ये फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाए। और मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रख लें बस, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले को देखिए कैसे याद रखना चाहिए कि मैं एक एसिडिक बफर की एसिडिक बफर के लिए पीएच निकालना चाह रहा हूं, अब अगर मैं एसिडिक बफर के लिए पीएच निकालना चाह रहा हूं बच्चों तो मेरी पीएच जो होगी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ घटेगी और घटने के साथ बढ़ेगी। भाई अगर एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच निकालना चाह रहा हूं तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ घटेगी पीएच और घटने के साथ बढ़ेगी, मतलब मेरा जो पीएच होगी एसिड के लिए वो एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एसिड की कंसंट्रेशन के, मगर दूसरी तरफ वो प्रोपोर्शनल होगी सॉल्ट की कंसंट्रेशन के, क्योंकि सॉल्ट जो होता है उसमें वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस घुला हुआ रहता है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब उसके हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, बेसिक नेचर बढ़ने के कारण पीएच बढ़ेगा। इसलिए इन दोनों चीजों को ध्यान रखने के लिए तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप जरूरी है। और तीसरा बात इसलिए ये पीके जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये एक वीक एसिड का केस है। ये जो एसिडिक बफर है ये हमेशा एक वीक एसिड से बना हुआ है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इसके के ए की वैल्यू 1 होती तो इसके लिए इस वैल्यू का मतलब 0 हो जाता। आप समझने की कोशिश करें, पीएच जो होगा तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो उसमें जो सॉल्ट है उससे कितनी पीएच घटी है बड़ी, तो अगर पीएच सॉल्ट पे डिपेंडेंट है तो वो प्रोपोर्शनली ही होगा। इसी तरीके से दूसरी बात वो एसिड पे भी डिपेंड करेगा, एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, और तीसरी बात एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे भी वो फर्क करेगा कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है वो वीक एसिड है, अगर ये वीक एसिड ना होके स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इस बात को तो खत्म भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसलिए ही निकाला, आप लोग समझ गए।
अब मैंने यहां से ये रिलेशन जो निकाल लिया और उसके बाद मैंने अभी आपके सामने या हम लोगों ने अभी जो है एसीटेट बफर के लिए पीएच निकाली, तो आप लोगों ने देखा कि वहां पे हमारे सॉल्यूशन की पीएच कितनी आई, 4.8। ठीक है बच्चों, अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और दूसरे केस में प्रेजेंट कर रहा हूं, साल्ट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो और एसिड की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर हो, तो देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। ये वैल्यू कैसे हो जाएगी कन्वर्ट, पीएच विल बी पीकेए वैल्यू 4.8 अभी हमने कैलकुलेट की, प्लस लॉग पॉइंट साल्ट की कंसेंट्रेशन 1 और इसकी 0.1। कहने का मतलब ये ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर मतलब ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाने के कारण पीएच जो हो जाएगी इसकी 4.8 प्लस लॉग 10, तो ये लॉग 10 इज इक्वल्स टू 1, लॉग 10 इज इक्वल्स टू 1। इस वैल्यू को रिप्लेस करना चाहें तो हम ये 1 भी कर सकते हैं, पीएच इज इक्वल्स टू 5.8। अगर हमारा सॉल्यूशन ऐसा है तो इसकी 5.8 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ये 10 मोलर है और ये वैल्यू 0.01 मोलर है, अगर मैं आपको कहूं कि एसिड की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर कर देते हैं और ये 10 मोलर कर देते हैं, तो देखिए ये रिलेशन फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 10 मोलर और ये 0.01 मोलर। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10^-3 हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.8 हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। मगर ये 7.8 जो पीएच आई, ये एक एसिडेट बफर की आई, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक एसिडिक बफर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैथमेटिक्स से तो इस फॉर्मूले को यूज करके कितनी भी पीएच का बफर बना सकते हैं, मगर ओरिजिनली इसको यूज करके केवल लिमिटेड रेंज का ही बफर बना सकते हैं और वही सॉल्यूशन बफर की तरह काम भी कर पाएगा जिसको इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा, ठीक है। और ऐसे बफरों को या फिर उस रेंज को बोलते हैं एक्टिव बफर रेंज, ठीक है। वर्ड ध्यान से सुन लें, यहाँ पे वर्ड आया है एक्टिव बफर रेंज, वो रेंज जिसमें कि वो बफर जो है अपने बफर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अदरवाइज तो बफर का पीएच कितना भी बना सकते हैं, देखिए इस वैल्यू को अगर चेंज करते रहें तो ये तो वैल्यू कितनी भी आ सकती है, पीएच की वैल्यू कितनी भी आ सकती है। अब अगर मान लेते हैं ये 10 को नीचे लेकर के आ जाए और यहाँ पे 0.1 कर दें और यहाँ पे 10 लेकर के आ जाए, तो ये वैल्यू -2 होकर के ये 2.8 नहीं आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके। तो ऐसे तो ये वैल्यू कितनी भी चेंज की जा सकती, पर क्या ये बनने वाले सॉल्यूशन सारे के सारे बफर की तरह काम करेंगे, तो इस बात का आंसर है कि बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। बफर एक रेंज में काम करेगा जिस रेंज को एक्टिव बफर रेंज कहेंगे, और इस रेंज को अगर मैं आपको प्रेडिक्ट करने के लिए बोलूं तो आप कहोगे जब पी के ए वैल्यू गिवन है, ये जो पी के ए वैल्यू गिवन है उसको प्लस माइनस 1 कर दो तो इस रेंज पे जो है बफर काम करेगा। कहने का मतलब अगर मैं एसीटेट बफर की बात करूं तो उसकी पीके वैल्यू 4.8 होती है, इसलिए उसकी एक्टिव रेंज जो हो जाएगी 3.8 से 5.8 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, दोबारा समझिए, एक्टिव बफर रेंज का मतलब वो रेंज जिस रेंज के अंदर बफर जो है अपने परफॉर्मेंस ठीक ठाक से दे पाएगा, अदरवाइज बफर अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा, तो वो रेंज एक्टिव बफर रेंज कहलाएगी। और इस बफर रेंज को निकालने का तरीका क्या होगा, हमारे पास हमें अगर पी के ए वैल्यू पता है तो प्लस माइनस 1 कर लो, वो रेंज जो है इसकी एक्टिव बफर रेंज हो जाएगी। और एग्जांपल देना है अगर, तो एसीटेट बफर के लिए कहें कि एसीटेट बफर की जो रेंज हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारे पास, उसकी पीएच जो हो जाएगी रेंज वो हो जाएगी पी के ए प्लस 1 से लेकर के पी के ए माइनस 1 तक से लेकर के, ठीक है ना, इससे लेकर ये जो कि हमें पता है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 4.8 प्लस 1 5.8 से लेकर के
ये हो जाएगी 3.8। ये पीएच की एक्टिव बफर रेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मुझे अगर 5.4 पीएच की किसी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखना है तो भी मैं एसीटेट बफर यूज कर सकता हूँ। 3.4 या 3.8 या 3.9 या 4 या इसके बाद की कोई भी रेंज को यूज करना है तो भी मैं एसीटेट बफर यूज कर सकता हूँ। पर मैं 3.7 या फिर 5.9 की रेंज के सॉल्यूशन को इस बफर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक ही बफर जो होगा वो हर जगह काम नहीं करेगा, वो अपनी एक रेंज में काम करेगा। इसलिए मैंने हमेशा आपको जब अभी पढ़ाया था पीछे आप लोगों को मैंने पूछा था कि वो तीन केसेस में क्या एक ही बफर काम कर जाएगा। मैंने भी आपको पूछा था 2.3, 4.3 और 6.3, इन तीनों केसेस में क्या एक ही बफर यूज हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि जी नहीं, अगर इस वाली रेंज की बात करें तो यहां पे तो एसीटेट बफर काम कर जाएगा, पर यहां पे वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी मिनिमम रेंज 3.8 तक है, और वो यहां पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी मैक्सिमम रेंज 5.8 है। तो इस रेंज के लिए क्या आएगा, दूसरा बफर आएगा, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट बफर, क्योंकि फॉस्फेट बफर की पीकेए वैल्यू जो होगी इसकी रेंज में आ रही होगी, प्लस माइनस वन की रेंज में आ रही होगी। और इसके केस में कोई दूसरा आएगा जिसका नाम सिट्रेट बफर या कुछ भी बफर लगा दो, सिट्रेट बफर। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों डिसाइड करेंगे कि कौन सा बफर किस केस के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है और कौन सा बफर कहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, थैंक यू।